I'm always assisting Upendra Dhune sir in this film. And I make sure in his absence, I take care of Kranti ma'am at home. When she gets to know that her son is missing, whichever naste, heart naste, but we then convince karte ki, please, we, you know, please take care of yourself and I'm on my duty and let me fulfill my duty in Sir's absence. And it was amazing working in this film. I just think who would be Sandhi Hoti a film made and Krayashi, like the kind of opportunity Sachin Sir gave to me. I'm very much glad for that. And that's all. I hope you all enjoy our film and the music and the entire. Thank you so very much. Hi, good evening. एंड सबसे पहले मैं सचिंदर जी को और राकेश जी को बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी बिकॉज आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई कांट स्पीक मराठी, मुझे मराठी नहीं आती, तो आई वॉन्ट टॉक इन हिंदी. एंड सचिंदर जी, राकेश जी एंड कमलेश जी भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मराठी नहीं आती थी और ये मुझे स्टेज पे बैठ के मराठी ऐसे बोलो पूरी कोशिश की मैंने. कमलेश जी ने बहुत सपोर्ट किया उसे. थैंक यू कमलेश जी, थैंक यू राकेश जी, थैंक यू सचिंदर जी. एंड इसमें जो मेरा करेक्टर है, मैं कमलेश जी के अपोजिट हूँ एंड बहुत एक यू नो लाइक दयालु टाइप की लेडी हूँ जो इनके साथ रह के इन बच्चों का केयर करते हैं हम लोग. और फिर कैसे कैसे बच्चे हमारे पास आते हैं और फिर क्या होता है, फिर बालक कैसे हमारे यहाँ पे आके हम इनकी बालक को आगे तक लेके जाते हैं, तो ये तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा. एंड रियली मैं सारे टीम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी और सचिंदर जी खास तौर पे आपको कि आपने मुझे एक मराठी फिल्म में ये ब्रेक दिया. रियली थैंक यू सो मच. थैंक यू सगळ्याच टीमला खूप खूप शुभेच्छा देते आणि सभी को बहुत बहुत बधाई देते हूँ. यहाँ पे स्टेजवरती पुन्हा एकदा तुम्हाला यायचं आहे, पण आता सगळ्यात महत्त्वाचा भाग ज्या एका गोष्टीची आपण आतुरतेनं वाट पाहतो, ट्रेलर आणि चित्रपटातली गाणी आपण बघणार आहोत आणि त्यानंतर लगेचच म्युझिक लॉन्च इथे होणार आहे. सगळ्यांना विनंती आहे आपण बसून क्या कहना चाहेंगे रिया जी, आज मराठी फिल्म का म्यूजिक लॉन्च है तो किस तरह का किरदार है आप अगर बताएंगे? देखिए हमारी मराठी फिल्म है बाला और बहुत अच्छी मूवी बनी है और इसमें मैं अपोजिट कमलेश सावंत जी के अपोजिट हूँ. मेरा जिस पर रोल है बहुत ही पॉजिटिव और बहुत प्यारा करेक्टर है, एक बहुत संपत्ति इसमें एंड बहुत एक दयालु टाइप की लेडी है कि जो लोगों की हेल्प करती है, बच्चों की मदद करती है एंड इसको सपोर्ट करती है. बॉलीवुड में आप काम करती हैं एकदम से मराठी, तो कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? या एक्चुअली मैं हिंदी फिल्मों में काम करती हूँ, पंजाबी की है, भोजपुरी की है, ये फर्स्ट टाइम मेरी मराठी फिल्म है. थोड़ा टफ तो हुआ था मुझे बहुत काम करते वक्त, बट कमलेश सावंत जी एंड सचिंदर शर्मा जी का जो विश्वास था मेरे ऊपर कि मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, तो इस विश्वास पर मैंने काफ़ी दिल से काम किया है. मैं चाहूँगी कि आप लोग ये मूवी ज़रूर देखें. एक तरह से कम बैक है अगर आपकी बात करें तो मराठी फिल्म. या ये मराठी फिल्म मेरे लिए कम बैक है, काफ़ी मतलब दो तीन साल के गैप के बाद मैं आई हूँ इस मराठी फिल्म में एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने मराठी फिल्म की है. मुझे पता है कि आप लोग को ये रोल बहुत पसंद आएगा और आप लोग ज़रूर थिएटर में देखने जाइएगा, फिर बताइएगा कि आपको मराठी फिल्म कैसा लगा. इसके अलावा अगर बात करें तो क्या चल रहा है इसके अलावा क्या चल रहा है अगर या इसके अलावा मेरी फिल्म आ रही कुकू राजकुमार यादव के अपोजिट है, वो भी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है. एक फ्लेम आ रही है, इंग्लिश मूवी है एंड आई एम अ सेकंड लीड दैट मूवी, वो भी बहुत अच्छी फिल्म है. और बाकी एक दो फिल्में और है जो चल रही है, तो लेट्स सी, देखते हैं सब क्या होता है. अच्छा ही होगा. अगर बात करें मराठी में और हिंदी में, मराठी फिल्मों का बहुत क्रेज हो गया है आज की डेट में, तो कितना अलग देखती हैं आप मराठी और हिंदी को? मैं सर बताऊँ, मैंने बहुत सारी हिंदी फिल्में की हैं एंड कर भी रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि सब लाइन है हमारी, बट ये जो मराठी फिल्म मैंने की है ना, इसमें बहुत अलग एक्सपीरियंस मिला है. एक तो इसमें जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं वेरी डाउन टू अर्थ, लाइक विक्रम गोखले जी, डुम्या जी एंड जो भी हमारी टीम है, इट्स वेरी नाइस.
एडी करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लग रहा है कि मुझे मराठी फिल्मों में काम करना चाहिए। तो अभी आप काफ़ी लैंग्वेज में काम कर चुकी हैं, मराठी कौन सी ऐसी लैंग्वेज बची है जिसमें आप काम करना चाहते हैं जिसमें नहीं किया? देखिए मैं अभी आई थी, अभी मैंने तेलुगु तमिल फिल्म करी है, तेलुगु तमिल में भी मैं मेन खलनायिका हूँ, तो भी बहुत नेक्स्ट मंथ रिलीज होने वाली है। अभी मुझे अगर सच मुझे कहा जाते हो, मुझे अगर काम करा, मुझे पंजाबी फिल्मों में काम करने का बहुत मन है कि इस बार मेरा टारगेट पंजाबी मिल रहा है, एंड आई एम श्योर कि मैं पंजाबी फिल्में करूँगी और बहुत अच्छे से करूँगी। मराठी फिल्म में आर्टिस्टों के साथ में काम करके कैसा लगा? कुछ मैच मैच है बॉलीवुड और मराठी, कैसा? यहाँ मराठी फिल्म में काम करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और मज़ा आ रहा है करने का। इसमें जो आर्टिस्ट है वो इतने डाउन टू अर्थ है, इतने अच्छे हैं ना, प्यार से काम करते हैं, इतना स्मूथली काम करते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला कि मतलब मैं मराठी फिल्म में काम कर रही हूँ। एंड जो इसमें कमलेश सावंत जी है, जिनको आपने दृश्यम में देखा होगा, दृश्यम इंस्पेक्टर का रोल किया था अजय देवगन का प्रोजेक्ट, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। यदि कमलेश सावंत जी का तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी, उन्होंने नावाचा एक मराठी सिनेमा रुजू होतोय आपल्या सगळ्यांच्यासाठी। सिनेमाचा विषय हा काही फार नवीन आहे अशाचा भाग नाही आहे, परंतु तो महत्त्वाचा आहे। या सिने विषयावरती अनेक चित्रपट आजपर्यंत हिंदी मराठी देऊन गेलेले आहे। त्यातले महत्त्वाचा भाग असा आहे की मिस्टर शर्मा और डायरेक्टर एंड मिस्टर सचिंद्र शर्मा एंड मिस्टर राकेश सिंह हे दोन नॉन महाराष्ट्रीयन माणसं यांनी हा सिनेमा तयार केलेला आहे। उपेंद्र लिमयेसारखा एक अतिशय चांगला नट यामध्ये आहे आणि आम्ही बाकी सगळे, आणि आमचा बाळा नावाचा व्यक्तिरेखा चितारणारा जो मुलगा आहे, काय त्याचं नाव आपल्या याचं, हां जोशी, नीरज जोशी, सगळ्यांनी चांगली कामं केलेली आहे। विषय जो आहे तो पालकांनी आपल्या मुलांवरती स्वतःची स्वप्न लादू नये, त्यांना जे आवश्यक आहे वाटतंय, त्यांना मी अमुक अमुक होणार तर त्यांना होऊ द्या काय व्हायचं ते, आणि तसं जेव्हा होत नाही तेव्हा मग काय काय होतं। तर खूप करून आमचा उपेंद्र लिमय, आमची कामं आता ह्या वयाला जी साधा जरूर जरूर सगळ्या लोकांनी पाहावा, विशेषतः लहान मुलांनी पाहावा आणि त्यांच्या वडिलांनी पाहावा, आया विशेषतः वडिलांनी पाहावा जे असे कठोर निर्णय घेणार आहेत की नाही मी सांगतो तेच करायचं, मी सांगतो तेच व्हायचं, तर असं काही होऊ नये याकरता हा सिनेमा तयार केलेला आहे आणि चांगला सिनेमा झालेला आहे अशी माझी समजूत आहे। मी काही सिनेमा पाहिलेला नाही, परंतु चांगला झाला असावा कारण कष्ट केलेले आहेत शर्मांनी सिंग साहेबांनी। तर सगळ्यांना नम्र विनंती की सिनेमा हा चित्रपटगृहात जाऊन बघा। सिनेमाचं नाव बाळा आणि 3 मेला तो प्रदर्शित होतो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जो है ना सब मोबाइल पर आ गया, आउटडोर जो गेम है उसके लिए बच्चे बाहर निकल नहीं रहे, और उसमें एक बच्चा अगर वो क्रिकेटर बनना चाहता है और उसके फादर उसको कैसा थोप दे कि नहीं तुम्हें ये बनना है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे सोसाइटी में ना, कि हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरे जैसा बने, लेकिन बेटा की अपनी आइडेंटिटी होती है, बेटा अपने जैसा बनना चाहता है, इसमें उनका मैसेज यही है। और ये जब कहानी दिमाग में आई कि एक बच्चा कुछ और बनना चाहता, क्रिकेटर बनना चाहता, तो बोलते ना खेलोगे कूदोगे पढ़ोगे बदमाश, पढ़ोगे लिखोगे, तो खेलोगे कूदोगे में ही सचिन तेंदुलकर बना, तो खेल को प्राथमिकता देने के लिए कि अगर खेलता है बच्चा तो ये मतलब कि ख़राब है, उसको खेल में प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर वो ड्राइंग अच्छा करता है तो उसको ड्राइंग में प्रोत्साहन देना चाहिए, टेक्निकली अच्छा तो उसको टेक्निकली देना चाहिए। हम अपनी बातें थोपते हैं अपने बच्चे पे, मैं प्रोफेसर तो मेरा बेटा प्रोफेसर, मैं एक्टर तो मेरा बेटा एक्टर, कोई ज़रूरी नहीं है। उसकी जो पसंद है, उसकी जो चीज़ है, वो हमने दिखाने की कोशिश की इस फिल्म में। तो ये जब थॉट आया था मैंने राकेश जी को सुनाया, और जब राकेश जी को सुनाया, राकेश जी के जहन में जब कैरेक्टर आया, तो सबसे पहले स्क्रिप्ट लेकर मैं विक्रम जी के पास गया था। मैं बोला सर आप पढ़िए इस पर मराठी में फिल्म बननी चाहिए कि नहीं, और सेकंड डे सर का जवाब आया कि इस पर बननी चाहिए फिल्म, और मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। ट्रैफिक के बीच में दौड़ रहे हैं तो लोगों को बाद में पता चलता था कि ये शूटिंग चल रही है, लगता था रियल बच्चे दौड़ रहे हैं, कौन है क्या है, तब तक पता चलता था शूटिंग चल रही है। तो बहुत कोऑपरेशन हुआ, सबसे ज़्यादा कोऑपरेशन सर का मिला, मतलब किसी भी तरह से आई एम प्राउड कि मैंने मराठी में फिल्म बनाई और एक पैसे का मुझे किसी आर्टिस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ।
सब टाइम पे आए, टाइम पे काम किया और टाइम में हमने फिल्म खत्म की। कितने दिन में ये भी पूछे डायरेक्टर से, सर अच्छी फिल्म बनी है, 30 दिन में फिल्म बनाई हमने और 30 डेज में पूरी शेड्यूल कंप्लीट हो गई। अच्छे गाने हैं, म्यूज़िक अच्छा है, नए म्यूज़िक डायरेक्टर है, लेकिन आपको नए म्यूज़िक डायरेक्टर का म्यूज़िक सुन के भी नहीं लगेगा कि नया म्यूज़िक डायरेक्टर है। इस फिल्म के अंदर हमने रिकॉर्ड किए थे 5 गाने, लेकिन 4 गाने पिक्चर के अंदर में है और कमाल का म्यूज़िक है। आपको देखेंगे आपको एक नया, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट मराठी की जो हिट है वो आपको दिखाई देगा। इसमें बहुत मेहनत किया है राकेश और महेश ने, और लिरिक्स राइटर जो हैं गमरे साहब, विजय गमरे, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है गाना। तो कमाल की फिल्म है। थैंक यू। साधारण एक आता बरेच दिवस झाले शूटिंग होऊन, एके दिवशी सकाळी 3-4 वर्षापूर्वी साधारण 7-7:30 वाजता विक्रम उपरेंचा मला फोन आला आणि मला म्हणाले की माझा एक अमराठी मित्र आहे, तो एक मराठी चित्रपट करतो आहे आणि मला ती गोष्ट आवडलेली आहे आणि मला असं वाटतं की त्यातल्या माझ्या मुलाचा रोल तू करावास। तर माझ्यासाठी ही सगळ्यात मोठी ऑपॉर्च्युनिटी होती, कारण की विक्रमजींच्या सारखा एक अत्यंत सिनियर ॲक्टर त्यांच्याबरोबर आपल्याला काम करायला मिळणार म्हणजे ती एक कार्यशाळाच असते, म्हणून मी बाकी कुठलाही विचार न करता ताबडतोब या चित्रपटाला हो म्हणालो। या सिनेमाचा हिरो आहे तो मुलगा आहे, त्या लहान मुलाची गोष्ट आहे सगळी, आणि क्रिकेटविषयी प्रचंड पॅशन असतं आणि याच्या याचे वडील जे आहेत ते म्हणजे ती भूमिका मी करतो आहे, जो अत्यंत स्ट्रिक्ट, अत्यंत कडक, अत्यंत शिस्तीचा, आणि त्याच्या मुलाने त्याचं काय कशा पद्धतीने जीवन जगावं याच्याविषयी ह्या वडिलांचे सगळे ऑब्जेक्टिव्स क्लिअर आहेत, म्हणून साक्षातच मुलात आणि बापामध्ये एक संघर्ष आहे आणि या संघर्षाची गोष्ट आहे। म्हणजे जसं मी तुम्हाला म्हणालो की अत्यंत कडक शिस्तीचा तो बाप आहे आणि त्याचं ठरलेलं आहे की त्याच्या मुलांनी सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत त्याचा दिनक्रम कसा असावा, असा एक साधारण डिक्टेट करणारा, अत्यंत हुकुमशहाच म्हणूया अशा पद्धतीचा तो एक बाप आहे आणि त्या सगळ्या त्या मुलाची स्वप्न मात्र काही वेगळीच आहेत आणि मग त्या स्वप्नांची पूर्तता कशी होते त्यासाठी बापाशिवाय त्याला आणखीन कोण मदत करतं, त्याचं आणि आजोबाचं एक कसं एक वेगळंच बॉन्डिंग असतं, अशा सगळ्याची ही गोष्ट आहे। क्रांती रेडकर बरोबरचा आणि विक्रम गुप्तांबरोबरचा हा अनुभव कसा वाटला आणि इव्हन डायरेक्टरबरोबर काम करण्याचा? हा, शर्मांबरोबर मी पहिल्यांदाच काम केलं। एक कौतुकाचं आहे की काही अमराठी लोक आहेत त्यांना मराठी एक व्यावसायिक चित्रपट करावा असं वाटला, इट इज आउट एंड आउट कमर्शियल पॅकेज असं मी म्हणेन, एक उत्तम व्यावसायिक चित्रपट आहे असं मी म्हणेन। आणि क्रांतीबरोबर पूर्वीपासून आम्ही एकमेकांना ओळखतो आहे, काम पहिल्यांदाच मला वाटतं आम्ही केलं असेल एकत्र, आणि जसं मी मगाशी म्हणालो असं की विक्रम उखल्यांबरोबर काम करणं म्हणजे ही परवणी असते, त्यामुळे मी मुळामध्ये ते आहेत, त्यांचा फोन आला होता आणि त्यांनी मला विचारल्यावर तुम्ही करताय ना आणि आपण काम करतोय ना एकत्र, हाच माझ्यासाठी या फिल्मला हो म्हणण्याचा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा होता। आणि कार्यशाळा असते की त्या जनरेशनचा एक अत्यंत सिनियर ॲक्टर ज्यांचं काम बघून आपण ह्या इंडस्ट्रीमध्ये आलेलो असतो त्यांच्याबरोबर तुम्हाला इंटरॅक्ट व्हायला मिळणं ह्याच्यासारखी परवणी दुसरी काही नाही, त्यामुळे इट वॉज अ ट्रीट आणि ती संधी मला सोडायची नव्हती म्हणून मला हा चित्रपट करायचा होता असं म्हणूया। थँक यू सो मच। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम अपेक्षा देशमुख है और मैं मुंबई से हूँ और ये मेरी पहली फिल्म है, मराठी फिल्म, और इसमें मैंने एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया है, उपेंद्र लिमये जी को मैं असिस्ट करती हूँ इसमें, और इट वॉज़ एन वाव एक्सपीरियंस यू नो वर्किंग इन दिस फिल्म, क्योंकि उपेंद्र लिमये जी और क्रांति रेडकर मैम के साथ काम करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है, तो इट वॉज़ फन। ये आपने बताया मराठी की आपकी पहली फिल्म है, इससे पहले भी आप कुछ कर चुके हैं? इससे पहले मैं सीरियल्स, एड, म्यूज़िक वीडियो सारी चीज़ें कर चुकी हूँ, लेकिन फिल्म मैंने पहली बार की। आपने बताया कि आपको मराठी नहीं आती, तो कितनी परेशानी हुई, कितनी दिक्कत हुई? नहीं, अलग लैंग्वेज में काम करना बहुत काफ़ी मुश्किल होता है, कितना कोऑपरेट किया? एक्चुअली बात यह है कि मैं हूँ मराठी, अपेक्षा देशमुख मेरा नाम है, लेकिन मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऐसा रहा है कि घर में ज़्यादातर माहौल हिंदी और इंग्लिश का रहा है, इसलिए मराठी मेरी थोड़ी पुअर है, पण मला येतं मराठी बोलता, पण एवढी छान येत नाही, एवढंच की म्हणजे मी रिस्क घेत नाही बोलणं, कारण की मला
you know, I just don't want to make fun out of me, so I try not to speak in Marathi. But yeah, it was a challenging one for me, because घर में हिंदी और इंग्लिश का माहौल और सेट पे स्क्रिप्ट मेरी मराठी में थी, लेकिन मेरे लिए एक सीखने का मौका था ये, तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं है, आई यस टू इट एंड आई टुक दिस चैलेंज वेरी पॉजिटिवली. काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे इसके अंदर, तो कितना नर्वस थे आप काम करने से पहले? कितना? बहुत ज़्यादा. सेट पे जाने के बाद क्या कुछ डर खत्म हुआ था? लेकिन डर तो वो रहेगा ही, क्योंकि सीनियर्स हैं और इनको इतना काम करते देखा है. उपेंद्र लिमे जी, जिन्होंने जोगवा जो मूवी आई थी मराठी उसमें जो काम किया है, अमेजिंग. विक्रम गोखले जी, जिन्होंने हम दिल दे चुके सनम में, दैट्स माई फेवरेट फिल्म. और क्रांति रेडकर, नो लाइक दे ऑल आर लेजेंड, दे ऑल आर लेजेंड्स एक्चुअली. तो कॉपरेट उन्होंने बहुत किया, मेरे मैक्सिमम सीन्स जो है उपेंद्र सर और क्रांति रेडकर मैम के साथ थे, तो उन्होंने बहुत कॉपरेट किया. और इनफैक्ट क्रांति मैम हैज़ हेल्प मी इन, यू नो, मराठी स्पीच में उन्होंने काफ़ी मदद की मेरी. तो जो डर था सेट पे, वो उन्होंने काफ़ी मदद की मुझे कि मैं ना डरूँ और सीन्स अच्छे. इसके बाद अगर बात करें तो किस कोई और प्रोजेक्ट है आपका या कुछ? अभी फ़िलहाल आई एम प्रेजेंटली वर्किंग ऑन वन वेब सीरीज. मैं अभी फ़िलहाल उसका नाम रिवील नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक पाइपलाइन में है. अब तक उसके प्रॉपर वे में हम कुछ एडवर्टीजमेंट या प्रॉपर वे में उसका मतलब मार्केट में बात नहीं है अभी. बॉलीवुड है, हिंदी? हिंदी हिंदी हिंदी. तो अभी फ़िलहाल मैं एक वेब सीरीज पे काम कर रही हूँ. ओके, थैंक यू सो मच.